पता नहीं कहाँ गई। रागनी, ओ रागनी, अब सुन भी लो महारानी। जी हाँ दीदी। हाँ दीदी की बच्ची, मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ थी तू? सर पर पल्ला वल्ला रखती है? तेरा मायका ही है। हाँ दीदी रखते ही रहे, वो रख रही थी, सीधा कर रही थी। बताओ सीधा कर रही थी, क्या कर रही थी तू वहाँ पे? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे बस मैं ऐसी खड़ी थी ना। काम हो गया घर का? हाँ वो तो सारा कर लिया मैंने। कहाँ कर लिया तूने? घेर का करके आई है तू? घेर का नहीं, घेर का मैं करूंगी, और कौन करेगा है? अभी मैं घर खेतों का भी करूँ, घेर का भी करूँ, घर का भी करूँ, मैं तो इस घर में नौकर नहीं समझ रखी हूँ, तुम ही हो एक महारानी। दीदी मैं कर तो थी हूँ, सारा तो काम कर दिया, खाली घेर का रह गया, वो भी कर। बस तुम्हें तो अपनी सजावट से ही फुर्सत नहीं मिलती तेरे को तो, और कहाँ जा रहा पति का पैसा? ऐसे ही जा रहा सारा। दीदी मैंने क्या कर लिया, खाली बिंदी लिपस्टिक। हाँ ठीक है, सफाई पेश मत कर मेरे को, समझ में आ गई ना? वो भी मैं सिंगार, ये जाके अपना काम दे, खाना तैयार कर, चल खाना बना, जाके जा। ठीक है जा, जल्दी जा, जवान लगवा लो इस पे, तो एक हाथ की कैंची की तरह चलती है। छोटी, ए छोटी। जी जी जी। इतनी देर में क्यों निकलती है बता, क्या करती है घर में? वो आपने खाना बनाने की कहा, हो गया खाना तैयार? हाँ हो गया। अब बिंदी कैसी लगाती है, छूट रही है, पागल गई की? तो आप ही ने लाके दिए, राग नहीं है इसमें? हाँ मैंने लाके दिए, तू अपने फैशन वाली बिंदी लगाती है, नहीं शिल्पा वाली बिंदी लगानी चाहिए जो थे हम लगाते थे पहले जमाने में। अब पकड़े पानी भर के ला जा। ठीक है जा जल्दी। हेलो। अरे भाई साहब राम राम। राम 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 राम। अब क्या बात है, दिन भर काम, कहीं पानी लाना, कहीं बर्तन, जब देखता हूँ तो आप काम ही काम करती रहती हो। अरे भाई साहब इधर आ जाओ। पर मैं ये, अरे आपकी जेठानी है वो बैठी रहती है, वो काम तो हम नहीं करती रहेगा? अरे काम करवाया करो, हमारे नसीब में लिखा है काम करना तो हम कर रहे हैं, उनके नसीब में लिखा है सोना बैठना तो वो आराम कर रही है। मुझे तो हकीकत बताऊं, मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, क्या मैं तो तुम लोगों को देखता रहता हूं, इतनी मेहनत करने के बाद में भी ये नतीजा। अब वो घर में कभी कुछ खाओ कभी कुछ खाओ बैठी रहती हैं, कोई काम ना धंधा उनपे है, फिर भी तो अच्छा वो नहीं ये लगता है ना कि काम नहीं करती हूँ मैं, इतना सारा काम करती हूँ फिर भी। बताओ अभी पानी लेने आ रही हो क्या? सही नहीं है, ठीक है अगर मुझे देर हो गई ना पानी के लिए, फिर वो ही हो गएंगी की इतनी देर कहाँ लगा ली। थोड़ा ना अपने आप को सही रखा करो। ठीक हाँ अच्छा भाई साहब राम राम। राम राम भाभी। राम राम। अरे राम राम देवर जी, कैसे हो? बस बढ़िया। आपकी वो लेती है छोटी दौरानी? छोटी दौरानी मिली थी। हाँ दौरानी आपकी। अच्छा। बेचारी पानी लेके आई, बड़ा मुझे तो बड़ा दर्द लग रहा है सच्ची। तो तुम कर दिया करो उसके बट का काम, तुम्हें बड़ा दर्द आता है उसका? ये तो अभी नहीं है यार, तो बस गली की औरतों को तकने को मिल जाए बस। देख तुम भी हाथ सारा लाल है। तुम पहली बार तो हमारे घर के मामले में बोलने वाले होते कौन हो? मैं तो पूरे दिन काम कराऊंगी उस पे, तुम होते कौन हो? पढ़िया खुल गई तो इधर आई ना गली। तुम्हारी पढ़िया इधर ही खुलती है, मुझे ये बता दो, जब भी खुलते इधर का ही रास्ता दिखाती है वो। तुम यो करे देख मुझे बताओ, पढ़िया देखने आते हो अपने कुछ और देखने आते हो? ना 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 पढ़िया देखने आया हूं मैं तो, अपनी पढ़िया खुल के मेरी इधर आ गई तुम्हारी गली। आई होगी तो मैं इधर को ही रवाना कर दूंगी उसे, लेकिन तुम मेरे घर की तरफ नहीं जाओगे, समझ में आ गई ना? एक बात करनी है, देखो बुरा मानियो, वो बेचारी अभी अभी आई है तुम्हारी छोटी वाली, उनसे कम काम कम कर आया बेचारी। उसकी चाबी तो मैं तोड़ूंगी, है मोहल्ले के मर्दों से बतलाती है जाके। ना ना बेचारी ऐसी निकल यहां से जा, तुम्हें कौन है घर के मामले बोलने वाले? तुम बड़ा लपल लपल मचाते हो, लगा के और नेकर कच्छा पहन के टोपी छचौरा कहीं का। अरे पिताजी राम राम। राम राम बेटा राम राम, और सब बढ़िया? हाँ पिताजी बस पानी लेने जा रही थी। अरे पानी लेने जी? अरे सब काम तेरे पे थोप रखा है, वो क्या कर रही है जी? वो तो लेटी थी, ये कह रही तुझे ये काम कर ले, फिर पानी भर ली हो काम करके, पानी सारा दिन ऐसे ही भगाती रहती है, कभी उधर कभी काम में कभी खेतों पे कभी कुछ। अरे आज हमारी गृहस्थी होती तो आती कुछ थी, तो ये नौवती ना आती वो सब सामान लेती, अब जो भी है बेटा घर की तो बड़ी वो ही है, जो कहेगी वो करना पड़ेगा तुम्हें। भैया पिताजी वो तो मैं कर ही रही हूँ। चलो पिताजी आप ना घर पे पहुँचो, मैं भी पानी भर के आपके लिए गरम गरम खाना बनाते फिर खिलाती हूँ। ठीक है बेटे। ठीक है पिताजी। ठीक है। बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, अरे बड़ी बहू, कोई नहीं दिख रहा घर में? हाँ पिताजी बोलो। हाँ बेटी, थोड़ा हमें पानी वानी दे दो,
पानी पियेंगे, प्यास लग रही है हमको। तुम अभी वहाँ से खेत पे से आए हो, वहाँ पूरा वो क्या कहते हैं टूवेल की टूवेल खुदी पड़ी है, वहाँ तुम्हें पानी नहीं मिला? इतनी दूर से तुम यहाँ घर पर पानी पीने आए हो है? तो बेटे पानी तो वहाँ से पी लेता, मगर कुछ खाने को भी तो मिलता। हाँ, अब तुम्हारी चापलूसी में लगे रहे पूरे दिन, हम पे तो घर का कोई काम ही नहीं है, अब तुम आ तुम ही तो रह गए हो है? ये कोई काम में काम है काम नहीं है, करके देखो एक दिन सब पता लग जाएगी तुम्हें। तुम करती क्या हो, करती तो छोटी बहू है सारा घर। छोटी बहू मेरी तरह दिमाग चला ले, पूरे घर का कैसे क्या होना है, पूरे दिन क्या कौन सी चीज खत्म हो गई। छोटी बहू को क्या है, बस दो चार बर्तन धो ली, थोड़ा सा काम कर लिया और बस बैठ ली, महारानी पड़ गई बिस्तर पे। अब ऐसा है कुछ खाने वाने का इंतजाम करो, हमें कुछ खाना है। अरे वो आएगी वो बनाएगी खाना, समझ में आ गई, मुझे और भी काम है, जाओ वहीं दे दूंगी खाना। उम्मीद रही नहीं? हाँ तो रखो भी मत मुझसे कोई उम्मीद। जी 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 जी, ये आप पानी उतरवा लो। पानी भी नहीं उतरता, इतनी देर कहाँ लगाती तूने? जी जी पानी भरने गई थी, दूर है ना, कम से कम आधा घंटा हो गया तुझे है ना। पिताजी मिले थे रास्ते में तो उनसे ही बात करे, वो पूरे पूरे दिन तू और पिताजी और गली के मर्दों से बतलाने से तुझे फुर्सत कहाँ मिलती है? जी जी हम पे इल्जाम मत लगाओ, हम खाली पिताजी से ही बात कर रहे थे। जवान और लड़ा रही है मुझसे, पिताजी से बात करने आई थी, और वो जो गली का जो लफंगा वो घूमता रहता उससे क्या जरूरत थी, तेरी बड़ी सिफारिश ले रहा था वो है? मैं नहीं बात करी उनसे, वो खाली मुझसे ये पूछ रही है नहीं, सारा दिन काम करती रहती हो, वो करती है कि नहीं? चल ठीक है, सुन लिया तेरे भाषण मैंने, अब जाके काम कर, जाके काम बता रही हूँ, जाके पहले तो सबसे पहले तू खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, वॉशिंग मशीन में नहीं धोएगी, हाथ से धोएगी, छत झाड़ के आएगी, समझ में आ गई, पर्दे धोएगी। तो वॉशिंग मशीन है किस लिए? बिजली का बिल क्या तेरे पिताजी देंगे है? दिमाग सड़ गया तेरा, हाथ में कसारा कर ले, शरीर को घटा ले, समझ में आ गई ना? अच्छा एक बात और ध्यान सुन ले, आपने तो मुझसे बोल दिया, मुझसे ज्यादा तो आपका शरीर है ना। हाँ तू और तेरे ससुर जी और बाकी सब मोहल्ले पड़ोस के तेरे यार दोस्त मुझे ही तो खिलाते हैं है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, मोहल्ले में गीत है, मैं वहां जा रही हूँ ठीक है? ठीक है। और एक काम और करियो, ध्यान से सुन मेरी बात, जब तक मैं नहीं आ जाऊं पहली बात तो तू गेट नहीं खोलेगी, दरवाजे पे चाहे कोई भी किल्ला है, चाहे कोई बाबा आए, चाहे कोई कुछ भी आए, चाहे कोई कुछ भी कोई भी आए, भिखारी आए या कोई दक्षिणा मांगने, बिल्कुल हाँ पिताजी के लिए खोल दियो, अगर आवाज दे तो खोल दियो, और अगर आप पहले गेट पर खड़े होकर सुनियो कि पिताजी की आवाज है ठीक है ना। हाँ और मेरे बगैर पूछे घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, काम कर पूरे घर का और खाना खा के आराम से रहे ठीक है, और पूरा काम मुझे कम्प्लीट मिलना चाहिए, कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए, फालतू में क्यों मेरा गला चिकवाती है तू? नहीं आएगी, कहाँ चिल्लाती हूँ, पूरा सारा काम करती हूँ पर तुम ही चिल्लाती हो, पता नहीं क्यों चिल्लाती हूँ। अगर काम ही करते तो मैं इतना क्यों चिल्लाऊँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, अब जाके जा चक्कर काम कर चल, अब गेट मत खोलियो, मैं फिर भी बता रही हूँ तुझे, ये पानी तो ले जा, पानी कौन तेरे पिताजी लेके जाएंगे। बहू। जी पिताजी आ गए आप? हाँ बेटी। अच्छा। मैं ये कह रहा था हाँ? कुछ खाने वाने को है घर में? नहीं पिताजी अभी मैं गरम गरम बना दे, आटा भुना रखा ही है, सब्जी भी अभी बना के रख दी गरम है, सब्जी खाली रोटी बनानी है वो आपको दे दे रही हूँ। अच्छा अच्छा बेटी, मैंने अभी बड़ी बहू से कहा था हुँ? पानी तक नहीं पिलाया उसने मुझे, और खाने की कहा तो कह रही छोटी बहू देगी, ये अच्छी बात है उसकी। मैं वो ही तो एक तू है और एक वो है, दोनों बहन बहनों में समझ नहीं आता कि तुझ में ऐसा व्यवहार क्यों और उसमें कैसा है, पता नहीं। अब पिताजी वो भी मुझसे ऐसे ही हुक्म चलाती हैं, अब भी बोल के गई हैं कोई भी आए तो दरवाजा ना खुलना, चाहे कोई भी आए, मेरे पिताजी आए फिर कि नहीं अगर वो आवाज़ दें तो खोलना, वरना आवाज़ ना दें तो नहीं खोलना, पता नहीं क्यों इतना शक करती हैं। आपसे बात करूं तो शक, अगर मैं पानी लेने गई थी आप मिल गए थे, एक वो एक जो भैया वो भाई साहब थे वो मिल गए थे, वो बस पूछ रहे थे कि तू मर्दों से बात करती है तो उससे बात करती है, आधा घंटा लगा दिए पानी में, अब बताओ क्यों ट्यूबवेल कितना दूर है? हाँ तो इस वजह से फिर उसकी सोच है थोड़ा वैसी है। चलो पिताजी आप अंदर आओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटी चल। अरे कोई है क्या अंदर? अरे कोई है अंदर क्या? नमस्ते नमस्ते भाई साहब। अरे एक काम था आपसे। क्या? उन्हें एक थोड़ा सा मुझे वो फावड़ा चाहिए था आपका। फावड़ा? हाँ मैं करना है मुझको वो गड्ढा।
हाँ। देखो भाई साहब, मैं आपको फामड़ा नहीं दे सकती। अभी मेरी दीदी मना करके गई है, कोई भी आए उनसे बात मत करना, ना फामड़ कुछ भी, कोई भी। अरे वो मुझे जानती हैं, आप टेंशन ना लें, कोई चीज के लिए वो जानती हैं मुझे। वो भाई साहब मैं नहीं दे सकती हूँ उनकी इजाजत बिना। अगर वो इजाजत दे देंगी तो मैं आपको दे दूंगी। आपकी तो आदत भी देखो बहुत अच्छी है, पूरे गाँव में आपकी तारीफ होती है उनकी, एक बार को हुए ना हो। अरे मैंने उनसे बिना पूछे दे दिया ना, तो वो मुझे सुना सुना वैसे भी। आप मेरा नाम ले देना उनसे भाई, टेंशन ना ले आप, थोड़ा फामड़ा दे दो, मेरा काम चल जाएगा। अभी दो मिनट में दे जाऊंगा बस, आपको ना एक गड्ढा करना है मुझे हल्का सा, बस ना पानी थोड़ा खेत में जा रहा है दूसरी जगह से, तो मैं मट्टी डाल के ना सेट करना है ना। फामड़ा दे दो मिनट, क्या करूं, दूं के नहीं। आपकी तो आधे बेचारी कितनी अच्छी है वाला है कि मेरा। चलो तुमने एक मिनट रुको, मैं अभी लेके आता हूं। हां बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फामड़ा ले आएंगे तो काम कर लूंगा अपना, फामड़ा ले आए तो बढ़िया है। अरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई सब सुनो। हाँ सुना। ये फामड़ा ले तो आ रहे हैं हाँ? लेकिन चुपचाप उनसे आने से पहले आप मुझे अभी दे जाना। अरे आप क्योंकि आप नहीं जानते हो उनकी आदत, अगर नेक भी उन्हें पता चल गई ना कि ये फामड़ा के मैंने आपको दिया है, तो मुझे सुना सुना के वैसे ही मार डालेंगी वो। ना वैसे भी कहीं आए, कोई टेंशन ना, मैं आपको अभी दे जाऊंगी मैं। ठीक है जल्दी ले आना, पर आने से पहले। अरे मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है ठीक है। ला फामड़े से गड्ढा डा कर आऊंगा मैं, चले आऊंगा फामड़े। राम राम बड़ी भाभी जी। अरे राम राम देवर जी, कैसे हो? बस बढ़िया, भूखू पेट निकल रहा, बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा हाँ, पेट से बहुत परेशान हूँ। खा खा के निकल रहा है ये? ना मेहनत की है, फल है और कुछ ना, आप जैसा ना हूँ मगर मैं। अच्छा ये फावड़ा कहाँ से लेके आए हो? ये फावड़ा तो यार ये हमारा है। अरे ना है हमारा फावड़ा, आपने ऐसी कैसे बात कर दी? हमारा दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों, ये फावड़ा हमारा नहीं है? तुम्हारे क्या हाथ के बुला रहे हैं मुठे है? बता, ये निशान मैंने बना रखा है, के जो ध्यान रखा है, के नाम था मेरा भी नाम है। अरे हमारा नाम है तुम्हारा के नाम से? ये फावड़ा हमारा बता रही हूँ मैं, छोटी भाभी से मांग के लाया हूँ। मेरे खेत में पानी दूसरे खेत में जा रहा है, तो थोड़ी मट्टी करके सेट मैं अभी दे आऊंगा। अच्छा अच्छा, आपकी तो आदत भी बढ़िया आ रहा था। अच्छा, तो हमारी छोटी ने दिया है तुम्हें? हाँ वो आपको नाम ले रही है, मगर वो बेचारी बहुत सीधी है बंदी। बहुत सीधी है, बहुत अच्छी। मेरे साथ घर चलो। एक आप ऐसी हो, बस मैं सीधी बंदी है वो। नहीं मेरे साथ घर चलो, नहीं वो गड्ढा में पानी नहीं नहीं चलो नहीं 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 चलो नहीं कर देंगे। अरे नहीं चाय नाश्ता तो कर देंगे ना। अरे छोड़ो कोई बात, चाय तो पी जाओ। अरे ना आयो नहीं खड़े रहो, बुलाती हूँ मैं। ओए ना कुछ मत कहिए, देखो अरे मैं क्या कहूंगी, मैं तो कुछ भी ना कह रही। कुछ मत कहिए, देखो बाहर निकल के आ, तू बाहर निकल के आ। जी जी, एक बात पूछो तुझसे। जी जी जी, तेरा कसम लगता है? अरे बढ़िया जी, हर किसी को आप कसम क्यों बताती हो? हर किसी को कसम बताती, कसम जैसे हरकत करती है तू? तुझसे मैंने मना करके गई थी तो ये फावड़ा, तू किसी को मेरे अनुपस्थिति में कोई चीज देगी नहीं, तेरी हिम्मत कैसी हुई? और तू है बीच के लौटे, तू नई नई औरतों को देखता नहीं, तू उन्हीं के घर में चीज मांगने आ जाता है। बड़ी भाभी सारी बहुत अच्छी है, ऐसी बात मत करो। तुझे तो मैं उधेड़ूंगी, तू बहुत अच्छी हो। मैं कह रही हूँ छीन दू फावड़ा, ले मैं गड्ढा कर लूँ ना थोड़ा सा ना। अरे मेरा मन कर रहा है तेरे पेट में गड्ढा कर दूँ मैं, थोड़ा सा करवा लूँ गड्ढा ना माफ़ है ना। तू मुझे ये बता दे, तू अपनी आदतों से बाज आएगी नहीं आएगी, मुझे ये बता दे। क्या तेरे इसके साथ फेरा करवाऊँ तेरे? तुझे ज्यादा पसंद नहीं है आपको ना? मुझे ये बता, तेरा कोई चक्कर चल रहा है इसके साथ, तेरी लप्पा झप्पा चल रहे तेरे, तो बता दे है ना, बता तुझे पसंद नहीं है? बता, मैं तो अभी विदा करूँ इसके साथ, अभी 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 तुरंत विदा करूंगी, अभी तुरंत। अरे दीदी ऐसा क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों ना बोलूं, तुझसे हजार दफा मैंने मना कर दिया कि तू मेरी अनुपस्थिति में किसी को चीज नहीं देगी। एक फामड़ा तो मांगा है, क्यों दिया? गड्ढा करने की इतनी हिम्मत हो गई कि मैं नहीं हूँ घर में और तू अब घर की चीजों को देगी? तू तू इतनी बड़ी हो गई हमसे, अभी दे जाती है वापस कर। तू इतनी बड़ी हो गई हमसे, ये बता, तू मुझे ये बता, तू इस घर की मालकिन हो गई अभी से? मैं कब बोला मैं मालकिन? तुझमें खाने का सबूत तो है नहीं है ना? मुझे ये बता दे कि तू वो क्या कहते हैं, तू इतनी बड़ी हो गई? अरे 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 सुनो सुनो पिताजी, कैसे अल्लाह मचा रखा है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? पिताजी ये तो घर बर्बाद करती है, लुटवा देगी किसी दिन, मैं बाहर चली गई तो क्या हो गया, इसने क्या कर दिया? अरे इसे देखो, ये दुनिया भर का लफंगा, और इसे देखो फावड़ा। मुझे एक बात, जब मैं घर में नहीं होती सारी चीजें जब क्यों मांगने आता इससे? अरे ऐसा हो जाता है, जरूरत पड़ती है तो दे देता है इंसान। जरूरत पड़ती है, तुम तो चुप ही रहो, मुझे पता है तुम इसी की सलाह में बोलोगे, तुम अपनी राय दो ही मत, तुम चुप रहो, बोलोगे नहीं बिल्कुल बीच में।
देखो हमारा तो मुंह बंद कर देती है जरा सी देर में, हम कह दे कि न कहे, अरे जितना तेरा हक है इतना इसका हक है, और किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है काम की तो उसको दे दिया तो किसके है ये, तो किसी व्यक्ति को हमसे जरूरत पड़ेगी इससे जरूरत पड़ेगी ये बता दो तुम मुझे, तुम नहीं हो तो वो लेने आ गया। देखो पिताजी मेरी बात सुनो, बोलो, माँ जी तो है नहीं, सास हमारी है नहीं, तो मैं इस घर में बड़ी हूँ, मेरे बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी का तो फायदा है कि आज तुम्हारी सास नहीं है, जब भी तो तुम इस बच्ची को परेशान करती हो। अरे सास नहीं है तभी तो 20 सालों से इस घर को चलाती हुई आ रही हूँ, समझ में आ गई ना, जब भी तो तुम लोगों को, जब अगर आज मैं ना होती ना तो घर नरक होता, नरक हाँ, और मेरी मर्जी के बगैर आज के बाद इस घर में कोई गोबर लेने आए, चाहे कोई कुछ, चाहे कोई मर जाए, हमारे हमसे कोई नाता तोड़ना चाहे तोड़ दो, हमें नहीं रखना, समझ में आ गई ना, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में समझा दो इसे, ये मुझसे सामान नहीं देगी, फावड़ा रख, मेरे बाप का फावड़ा है, अंदर अभी खड़ी हो रही, देख दीदे और दिखा रही है, वो चाचा ऐसी बात हो रही है तुम्हारे होते साथे मोहल्ला पर वर्ष में, और सुनो मेरी अनुपस्थिति में दरवाजे पर जागने की जरूरत नहीं, जा चल काम कर अपना, जा तू अपने घर को जा। तो बेटी मैं ये कह रहा था कि जब घर में कोई चीज होती है तो किसी को जरूरत पड़ती है तो दे देते हैं। देखो पिताजी मेरी बात सुनो, हमें घर में मोहल्ले पड़ोस वालों को कोई किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मुझसे मांगने आएंगे, और अगर इस बात का किसी का बुरा लगता है तो लग जाने दो, तुम पंचायतगिरी मत करो, तुम प्रधानमंत्री बनो, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अरे हमें नहीं पड़ती, हमारे घर में सारी चीजें अवेलेबल है, अरे तो तुम लाए हो तो संभालता कौन है, मैंने फैसिलिटी कर रखी है, कर रखी है, एक बात बताओ फैसिलिटी वाला ही बस उसी का नाम होता है जो संभालता, अगर संभालता कौन है, मैं संभालती हूँ, संभालते नहीं है, कुछ कराई नहीं है, अब चुप रहो, कम बोला करो तुम, चलो तुम्हें रोटी खिलाऊं, तुम्हें आओ तुम्हें पनपते खिलाऊं अच्छी तरीके से, बोल दे जिंदगी अपनी ठीक है, अब रोटी खा रही हूँ, घर में आने की जरूरत नहीं, मैं सो जाया करो तुम, बेटा एक काम हो रहे थे इससे, मेरा एक काम कर रहे हो, मैं एक घर पे एक लोटा ने दूध भिजवा दिए ना, बस थकान से उतर जाते, बड़ा बूढ़ा शरीर है मेरा, चुपल के रोटी खिलाएंगे अभी मठा के साथ, अब दूध की भी कसर रह गई, अब दूध होता कहाँ है पिताजी, अब तुम क्यों कुछ समझदार हो, क्या होता है दूध है बेटा, अब हमें से एक लोटा मेरे को दे दोगे तो कुछ है ना, जो वो दही जमी जमाई खाते हो वो तो कहीं से ऊपर से 8 रुपए उतर के आती है तुम्हारे लिए, अब चुपचाप वहीं रहना, समझ में आ गई ना, पहले तुम पैसे बच जाए, इतनी मोटी तो है रही, पीपी के दूध को 4 लीटर दूध पी जाओ, नहीं तो मत दिखा, तो कमर से में दर्द हो रहा है, रागनी और रागनी जी दीदी, सुनती कैसे नहीं है तू, सुन तो लिया दीदी, एक ही तो आवाज पे आएगी है, सुन मैं जा रही हूँ घर काटने जी, गेट बंद कर लियो ठीक है, कोई नहीं आना चाहिए, नहीं ध्यान रखियो, पिछली बार की तो भूल नहीं गई, हाँ और कोई आ गया तो फावड़े से ना तेरे चार टुकड़ा करके नदी में बहा दूंगी, चल जा अंदर, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बाबा राम 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 बेटा, हाँ। बंद तो कर लो बाबा यार, कान के कम सुनाई दे, बेटा कोई बात नहीं, हम तो सन्यासी न जाने कहाँ पूछ रहे, कहाँ से आए हो तुम बेटा, हम तो सन्यासी हैं, आज यहाँ कल वहाँ, डाल डाल पात पात अपना डेरा, जहाँ मिल जाए दो वक्त की वहीं गुजार लेते हैं। अच्छा ये तो कुल मिला के ये है कि कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा, अरे बेटा साधु संतों क्या ठिकाना है, जहाँ डेरा डाला वहीं ठिकाना है अपना, तो खाने का काम है तुम्हारा तो, हाँ बेटा जो बस संसार की मोह माया यही सब त्याग कर जो धन धान जैसा, बात पूछू बाबा, जितने भी सारे बाबा है इसी गाँव में मरी पड़ती है सबको, और इसी गली में जाते हैं सब, हैं? एक बात ध्यान से सुनो, वहाँ जो गली में जा रहे हो ना, कोने पे बहुत तगड़ी कटकनी कुतिया बैठी है, खा जाएगी तुम्हारे चुटारा फुटारा है, सब छील छान के कर देगी, तुम्हें भिखारी बना देगी, इससे अच्छा इस गली को छोड़ो, अगली गली में चले जाओ, वो गली दिखाई दे रही तुम्हें, इससे नुक्कड़ पे इस दिन सीधे रास्ते पे चले जाना, ठीक है ठीक है बेटा, सावधान कर दिया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो कैसी लेडीज है, भद्रता से बात कर रही है, साधु संतों से कैसे बातें करनी चाहिए, पता नहीं पागल है क्या इस गांव के लोग, ये कह के तो भैया कि इस गली में कुतिया रहती है, लेकिन मुझे लगता है इस गली में कोई ना कोई राज है, किसी ना किसी घर में कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिलेगा, तभी इसको ये ऐसे कह के गई है, मुझे इधर ही जाना चाहिए, इसी गली में जाऊँगा मैं,
बाबा हुए, फावड़े मांगने वाले हुए, या गैस चूल्हा साफ सफाई करवाने, सब इसी गली में मरी पड़ती है। सब रजिस्टर में लिखवा लिया कि इसी गली में सारे सामान को बेचेंगे अपने में जाके। अरे है कोई बाबा को भिक्षा देने वाला? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे ये तो कोई बाबा की आवाज लग रही है, शायद बाबा आए हुए हैं मेरे दरवाजे पे। एक मन कर रहा है गेट खोलूं कि नहीं खोलूं। खोलूंगी तो जीदी को पता चल जाएगा, फिर वो चिल्लाएंगे मेरे पे। ना खोलूं तो फिर मुझे पाप चढ़ेगा क्योंकि बाबा आए हुए हैं। एक काम करती हूँ, खोल ही देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा बाबा श्री राधे राधे। राधे 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 बेटा, कोई दान कोई भिक्षा हो तो बाबा के लिए दो। भिक्षा? पर बाबा हमारी तो जेठानी नहीं है घर पे। जेठानी नहीं है? हाँ। तो बेटा जेठानी से क्या बेटा, आप हमें भिक्षा ला के दीजिए, दो वक्त की रोटी बनाएंगे, साधु संत है, बस मन और आत्मा तृप्त हो जाएंगी, दो वक्त की भिक्षा मिल जाएगी। तो बाबा अगर हमने दे दिया ना तो हमारी जेठानी है ना वो हम पे चिल्लाएंगी, उनसे बिना पूछे हम काम नहीं करते हैं। अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बेटा दान देने में ऐसी मतलब क्या पूछना, दान देने में किस बात की शर्म बेटा, दान देना महादान होता है, समझे? हाँ। तो बाबा ना अभी रुकिए, हम लेके आते हैं फिर। राधे 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 कृष्णा राधे। इतना विलम्ब कर दिया इस बच्ची ने, चलो देर ही हो तो दे। बेटा जी बाबा ये पकड़ो बाबा, इसमें आटा है। आटा है? जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान तुझे सदा खुशी रहे बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुशियाँ देते रहे, ऐसी तेरा धनदान पूरा घर परिवार तेरा ऐसे ही सकुशल रहे। बाबा बाबा जरा ठहरो बाबा, इस गली में से मत जाना। क्यों? अगर हमारी जेठानी ने आपको देख लिया ना तो वो तो मुझे मार डालेंगी। ठीक है बेटा, हम इस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते से जाते हैं। ठीक है बाबा, श्री राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। बाबा। हाँ बेटे। तुम तो उस गली में गए थे। अरे उस गली में से कैसे आ रहे हो? मैं तो गलियों गलियों घूमते हुए आ गया, और जो दान दक्षिणा मिली जो आटा मिला बस इसी को बनाएंगे खाएंगे और अपनी आत्मा को शांत करेंगे। दक्षिणा मिल गई? हाँ मिल गई। कहाँ से मिली? इसी गलियों में घूमते घूमते वो सामने वाला जो घर है यहाँ बोरी सी टंगी हुई है बस वहीं से थोड़ी। जो नीले कलर का? हाँ एक बेटी आई बहुत ही सज्जन सी, उसने बोरी सी होगी। हाँ हाँ। लाल सी चुंदरी ओढ़ रखी होगी। हाँ। और सर पे पल्ला रख रखा होगा उसने ना। हाँ हाँ जो जो आपने बताया वही है। अच्छा अच्छा, तो बाबा मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि उसने कम दान दिया है तुम्हें, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बहुत दान दूंगी और भोजन भी खिलवाऊंगी। अच्छा हाँ। ओहो जैसे तुम्हारी इच्छा बेटी। चलो चलो ऐसा भोजन खिलवाऊंगी कि आज के बाद कभी नहीं खाया होगा। अरे रामा। अरे ये तो वही घर आ गया। हाँ छोटी छोटी। जी दीदी। आ गए तुम? ये तो बाबा को दान दिया था तूने? जी हाँ। मेरे बगैर पूछे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई दान देने की? तो ये तो दान दिया है ना बाबा, हमें दुआई दान दिया। तुझसे मैं मना करके गई थी ना, मना किया था तुझसे मैंने, तुझसे मना किया था कि मेरी अनुपस्थिति में तू किसी को दान नहीं देगी। देखो दीदी अगर चुप कर, दान ही तो किया है, दुआ ही मिलेंगी हम सब। हाँ हाँ, अरे तू ही दुआ ले ले आके नहीं। अरे बेटी चुप रहा तुम, मैं तुझसे मना करके गई थी, वापस ले अभी। अरे बाबा वापस दो इसे। लो बेटे बेटे ले पकड़। बेटे बेटे लड़ो लड़ो मत, लड़ो तुम उस पे अत्याचार मत करो। सुनो तुम कल आना मैं तुम्हें दान दूंगी, ठीक है? जो बेटा दिया हुआ दान वापस कर ले। अरे बाबा सुनो, मैं अपने हाथों से दान पुण्य करती हूँ, वो पागल है उसमें अकल नहीं है, उसे घर चलाना नहीं आता, मुझे आता है। हरे कृष्णा जिसने दिया हुआ दान वापस ले जाओ तो जान करेगा। हरे कृष्णा। सुनो तुम कल आना मैं दूंगी तुम्हें दान, कल फिर आना
फिर मैं तुम्हें घर में लूंगी और मैं दूंगी तुम्हें दान। जा अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, जिसने तूने आज दान नहीं दिया तो कल क्या दान देगी? अरे राधे 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 भाजी, बढ़िया। हाँ बस बढ़िया है, बढ़िया है। बस इसी घर से थोड़ा दान मिला था, ये बच्ची मिली, इसने दान वापस करा लिया और कह रही है हमसे जाओ। ऐसे वापसी नहीं देती किसी। तुम चुप रहो पिताजी, तुम बीच में नहीं बोलोगे मैं तुमसे हजार दफे कह चुकी हूँ, तुम इन मामलों में मत बोला करो, बस तुम अपने काम से काम रखा करो। बहू ऐसा है कि ऐसी है थोड़ी। हरे कृष्णा, हम तो जाते हैं बस, सन्यासी यहाँ से नहीं किसी और दरवाजे से मिलेगा, दो वक्त की तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कर लिया करो, घर घर भीख मांगने से धन और कम होता है। ऐसे नहीं कहते किसी से। हाँ तुम मुझे मसी का कोई आया है, तुम मुझे मसी का, तुम बड़ी हो उस हिसाब से भारी भरकम रहा करो। अच्छा, दरवाजे पर कोई आता है उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करते। जैसे अपना गल लुटवा दूं, अपना गल लुटवा दूं मैं? लुटाने की बात नहीं, उसने भी सोच समझ के ही दिया होगा कि सारा घर बांध दिया उसके सारे। तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ, उसे समझा दो। अगर उसके बाद आज के बाद उस पर गलती हुई ना तो उसे भी घर से निकालूंगी और जो मात लेगा साथ में उसे भी धक्का दूंगी। चलो आओ मेरे साथ, चलो चलो। जिंदगी खराब कर रखी है तुम्हारी भी, तो जिंदगी खराब कर रखी है जो है ये जो है गई वो है नहीं, खरीद रखी है। निकल गया बाहर, बहू भी और देखी हमने घर में, ऐसी बहुना देखी जैसे तू है। क्या हो गया तेली? सिनेमा की टिकट लेके आई तो सिनेमा दिखाने ले जाऊंगी, क्या हो गया कि बच्ची? समझाओ इसे। बेटी ऐसा है, इससे पूछ के करा कर जो भी काम करे, बेघर में तेरी जान से भी कलेस होती है, हमारी भी होती है। हम घर के मुखिया होते हुए भी नौकरों की तरह करते हैं सब काम, पूछ के लेना पड़ता है इससे हर सामान। तो ये समझ के दे दिया ताकि दुआई लगेंगी, बद्दुआ तो कोई देगा नहीं हमें, दान ही तो दिया है बस। दुआ और बद्दुआ तू अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, हम मामनी गए, हम जिंदे हैं। जब हम घर चलाते हैं तो बाहर वालों को भी चलाना अच्छे से आता है हमें, समझ में आ गई ना? ठीक है, अपनी बेटी इसकी बात का गांठ बांध ले अब, ठीक है? अब किसी इससे पूछ के दया करेंगे जो भी चीज़। मेरी तो मानती नहीं थी, इसीलिए इनको बुला के लाई, जो तेरे हिमाती है। समझ रही है, हिमाती है। हाँ, हमारे बारे में मत कह कुछ भी। अब जा खाना बना ले, जाके जा, और तुम भी जाओ। हाँ जा रहे हैं। छोटी, ओ छोटी। जी दीदी। 9 बज रहे, तू एक बात बता, 9 बज रहे, ये उठने का टाइम है कोई? अरे दीदी मैं तो 4 बजे उठी हूँ, देखो नहा धो के तैयार होके फ्रेश हो गए, सारा काम करके सारी सफाई करती घर की, और क्या करूँ अब? अपने चेहरे की सजावट हो गई मारा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, घर का काम किया नहीं? अरे घर का काम सारा कर दिया, आप देखो तो सही जाके अंदर। अच्छा चल ठीक है, सुन ये पकड़, और घेर में से गोबर ओवर साफ करिया जाके, जब भैंसों के नीचे झाड़िया, ठीक है? ठीक है। और आज भैंसों को नहलाना भी है, अच्छा, आज बहुत अच्छी धूप निकल रही है, ठीक है ना? ठीक है। और घर का सारा काम कर लियो, और छत पे बहुत कूड़ा हो रहा है, ठीक है, उसे भी साफ करिए जाके। मैंने सारा कर दिया अंदर, एक बार जा जाइयो, थोड़ी सी बरसी काट लियो गाय के लिए, ठीक है, उसे दे देना, और शाम को न्याल भी गूदना है, बिजली वाली से नहीं, हाथ वाली से। समझदार है तू, ठीक है? और मैं जा रही हूँ गोवर्धन के परकम्मा लगाने, मैंने बहुत दिन से बोल रखे थे। मुझे भी ले चलो। हाँ तुझे ले चलूँ? तो ले जाएंगी, मैं भी तो घूमी आऊंगी, कैसी परकम्मा? हाँ फिर ले चलूंगी तुझे, अभी नहीं, ठीक है ना? ऐसे टाल देती हूँ, लेके नहीं जाती हूँ, तू जाके काम कर ले। अम्मा मत बन मेरी, कर तो लिया मैंने, घर का बाहर का लेके आया। हाँ तो जा बाहर का करके आ जा, ठीक है? चल जा, अरे इधर का जा रही है, पागल है? अभी तू घर में जा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है जा। अरे सुन सुन सुन, ला मेरा बैग लाके दे देना। बैग? बैग तब बैग में मैंने कपड़े रखे थे, ठीक है जा। अरे कहाँ है, जल्दी लिया, बस का टाइम निकल जाएगा। आ गई। और देख सुन, एक बात ध्यान से सुनियो, घर का सारा काम कर लियो कंप्लीट, हो सकता है या तो मैं कल आ जाऊंगी या शाम तक आ जाऊंगी, अगर शाम तक नहीं आई तो फिर मैं कल आ जाऊंगी, ठीक है ना? हाँ। और सुन, गुड्डे के लिए रोटी वहीं दे दियो, खेत पे भिजवा दियो, वरना यार खासा खुशी करे मेरा फर्श और गंदा करेंगे। चलो ठीक, साफ सफाई ना, आप कुछ सामान ले आओगे? चुप, तुझे पागल है तू? तुझे पता है मुझे गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी की सेवा है, दान दक्षिणा है, खाना पिलाना, ओढ़ना बिछाना, पैरामनी भी देनी है उनको गुरुजी की। हाँ, एक बात कहूं वैसे जी, जी बोल। आप अपनी इतनी पिताजी की तो सेवा करती नहीं है, तो गुरुजी की कैसे करती हो आप? चुप कर, जवान लड़ा रही है उससे, हैं? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हम पर चढ़ के बात करेगी, तू हमसे ऐसे सवाल पूछेगी अब? और जी जी, जो मेरे आगे के सामने हो रहा है वही तो मैं आपसे बोल रही हूं। तेरी दीदे फोड़ दूंगी मैं, चल जा काम कर, जा।
मेरे लिए कुछ सामान लिया। हाँ चल जा, ले आऊंगी चूड़ी ले आना। अरे जा, ना जा रही तू? हे भगवान, पिताजी। हाँ बेटा। इधर कहाँ जा रहे तुम? अरे इधर ही जा रहा हूँ। कहाँ? घर को जा रहा हूँ। काहे को घर जा रहे? रोटी वोटी तुम्हारी और छोटे भाई भिजवा देगी। घर जा रहे हो बस, तुम इधर से उधर चक्कर लगवा लो है। और वहाँ खेतों को वहाँ बंदर सुअर घुस जाते हैं, वो धान खा जाते हैं, उन्हें कुतर कुतर के नेक कर देते हैं। ना मैं पूरे दिन वहीं बैठा रहता हूँ, देखते रहता हूँ कि कोई खराब तो ना है रहा कुछ भी। अरे तो तुम्हारा चाय नाश्ता खाना दाना पानी सब वहाँ पहुँच जाता है, तो अब यहाँ आने की कसर भी रह जाती है तुम्हारी। तो घर है, घर ना घूमने आऊँ मैं तो। घर तब अच्छा लगता पिताजी, घर में बहू है वो काम करेगी तुमसे, इतना लंबा पल्ला करेगी वो। मुझे तो बहुत दिन हो गए, मैं तो इसलिए नहीं करती तुमसे। अम्मी को ये बता तू कहाँ जा रही है बंठन के? पिताजी हाँ। बता रही हूँ गोवर्धन के परकम्मा लगाने। गोवर्धन के परकम्मा? और गुरु जी है वहाँ, उन्हें पैरामनी उड़ामनी, उनकी सेवा दक्षिणा खाना पानी उनकी, बहुत बहुत दिन हो गए। मैं तो बड़ा जी सा घबरा रहा था मेरा, तो मैं कह रही हूँ गुरु जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो बहू ऐसा है कि मन तो मेरो बहुत कर रो जाने। चुप करो। तो मैं भी हाँ, संग। हाँ हाँ, तुम्हें सैर करा दूँ, तुम्हें फ्लैट में घुमाने, तुम्हें शिमला ले जाऊंगी घुमाने। हाँ ऐसा है, चुपचाप यहीं पड़े रहो और चलो उधर को, चलो मेरे साथ चलो। अरे तो वो खाना वाना तो खाना में रुकू हमारे चली जा रही है, मारे चली जा रही है। अरे वो भिजवा देगी खाना। तो जानो तो तू जा, हमको तो तू एक घूट पानी न दे सके, एक घूट चाय न दे सके, रोटी की बासी कह जाएगी, रोटी तू जाए। तू क्या करे, कुछ करे घर में? तुम्हारी सेवा तो लाभ ही क्या मिल रहा मुझे, कुछ लाभ नहीं। कह रही है कि मैं परकम्मा देव जा रही हूँ, गोवर्धन के वो करूंगी, गुरु जी को भी करूंगी। बंसे रास्ते में खड़े होकर लड़ रहे हैं, लड़ रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। हाँ जा रही है गोवर्धन को। बहू, छोटे बहू जी। पिताजी नमस्ते। पिताजी नमस्ते बेटा। हाँ पिताजी ठीक है? हाँ और बता। वो जीजी तो गोवर्धन परकम्मा लगाने के। हाँ हाँ मैं जीजी तो कहने आया हूँ तेरे से, और कुछ खाने पीने आया हूँ मैं, अब वो है ना है ऐसे में तो। पिताजी वो बहुत परेशान करती है, काम भी कर दो ना तब भी बोलती है काम नहीं करती है। अरे बेटा जी जी वैसे तो मैं वैसे बहुत दुखी हूँ, अब तेरे पास 24 घंटा है, कल ही आएगी अब तो तुम से। हाँ कल आएगी, और मजे से जो है नो खानो पीनो अभी कर ले, ठीक है? वो आ गई ना तो वो घर में रार करा थे तुम्हारे में कैसी है? तो मैं भी खाना। हाँ कल से तो देखे मैंने रोटी भी ना खाई, मैं बहुत ही भूख लग रही है बेटा। पिताजी तुम अंदर तो चलो। हाँ, आज अच्छा अच्छा ना खा लेंगे बना के, मैं गई खंका बेटा। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाओ आज तो, मजा आएगा, पेट ऐसे भर गया मेरा। पिताजी मैं ये कह रही थी, ये बोल रही थी, मतलब मुझे हंसी और आ रही है अभी तक उन पे। मुझसे ये बोल रही थी कि मुझे ना गुरुजी के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, चादर पादर बिछानी है, उन्हें ये करना है। मैंने तो पिताजी की तो सेवा होती है यहाँ तो, वहाँ पे एक चप्पल तो इतने होते है ना खिसकर, तो माँ करेगी सेवा। गई है वो लख लुटावे वहाँ पे, जितना अमीर लड़ाक होते अमीर सबको ले लाके मां लुटावे गई, दिखा रही है मैं कितने लख पता हूँ बापा जाना कैसे तो हमें खारिज होगी। उनसे जो कहो ना ये वाली बात, मैंने कह दी मेरे पिताजी की तो सेव होती नहीं, तो मुझसे कह रही चुप रह जवान चला रही है मुझसे। ये और बोल चाहे कितने तीर्थ यात्रा कर जाए बाबा, कुछ ना हो ना जो बुरे नतीजे बुरो ही मिले हो बाबा, कुछ भी कर जाए चाहे की सेवा कर ले। अरे जो बड़े बूढ़े घर में उनकी सेवा ना कर पाए तो तेरे बेकार है बस, क्या फायदा ऐसे फिर वहाँ पे जाने से। परकम्मा नाम देख रही है घर में पड़ी 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 पड़ी, और कितनी मोटी है रही है, कोई मोहल्ला में इतनी मोटी ना जितनी कोई मोटी देख रही है। कह रही तू कम खाया कर, मोटी है गई है, मुझसे कह रही थी ना क्या चुप रहे है बोई तो बहुत मक्का रहे। पिताजी तुम खेत पे जा रहे हो, मैं खाना यहीं पे आ जाना, माँ क्या खा रही है पता ना, वो तो कल ही बल्ला आएगी और यहीं खा लेंगे अपने आराम से। शाम को आ जाना टाइम पे। मैं शाम को आ जाऊंगा बेटा टाइम पे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे मैया इतनी तेज पैर में मोच आई है, हे भगवान। एक तो इन घर वालों ने असून कर दिया, एक वो हमारी छोटी, एक वो हमारे बुड्ढे ससुर जी जो है। अरे राम इतनी तेज दर्द हो रहा है पैर में, बहुत तेज। अरे राम बहुत दर्द हो रहा है छोटी। अरे कहाँ मर गई? अरे जल्दी आ। अरे ये तो दीदी की आवाज लग रही है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये तो कल की कह रही थी, आज ही टपक गई। है यार अब मैं अच्छी वाली आराम से रह रही थी, और पिताजी आने वाले थे शाम को खाने, अब बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? ये तो अभी आ गई, चल देखती हूँ, खोलती हूँ दरवाजा पहले। अरे कहाँ मर गई जा? अरे दीदी इतनी देर का लगा ली,
इतनी देर से आवाज दे रही हूँ। दीदी हालत क्या हो रही है, कहाँ से आ रही हो तुम? बैग बैग पकड़ेगी या नहीं? अब पूछो नहीं तुम्हें। अरे मैं रास्ते में आ रही थी, इतनी तेज ठोकर लगी मेरी, इतनी तेज ठोकर लगी मेरे पैर में, मोच आ गई। तो दीदी आप तो कल आने वाली थी। क्यों कल आने वाली थी, क्या मतलब है? हाँ तो शाम को, तो शाम तो अभी हुई नहीं है। अरे मैं शाम, गुरुजी नहीं मिले वहाँ पे। अच्छा, इतना दिल मेरा बैठा जा रहा है कि मैं कैसे बताऊँ कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, गुरुजी नहीं मिले, पता नहीं नाराज हो गए मुझसे, क्या हो गया, ऐसे ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे गुरुजी नहीं मिले। मैंने उनका नंबर भी लगाया लेकिन गुरुजी का नंबर भी नहीं लगा, मैं तो ऐसे ही लौट आई। गुरुजी भी फोन रखते हैं? रखते हैं फोन गुरुजी। दीदी तो कम से कम परिक्रमा भी तो लगा जाती। अरे जब गुरुजी नहीं मिले तो खाक पर कम्मा लगाती मैं? अरे पहले गुरुजी से मिलना जरूरी था, उनको खाना पिलाना ओढ़ना बिछाना जरूरी था। यानी हर काम तुम गुरुजी से पूछ के करती हो? हाँ मैं हर काम गुरुजी से पूछ के करती हूँ। तो अब गुरुजी नहीं मिले तो फिर मैं इनकी क्या पर कम्मा लगाऊं, मैं चलूंगा। तो दीदी तुम खाना भी गुरुजी से पूछ के खाया करो। तू कम बोला कर, तू बहुत बोलती है। फ्रेश भी गुरुजी से पूछ के जाया करो फिर। तू कम बोला कर छोटी, बहुत बोलती है तू। तुम बात ऐसे बोल रहे हो ना, इसलिए मैंने बोला है। लो दीदी यहाँ रख। पैर में बड़ी तेज दर्द हो रहा है। ज्यादा लग गई है? बहुत लग गई है, मेरे पैर में मोच आ गई है। पता नहीं अब गुरुजी अगर मुझे मिल भी गए तो पता नहीं कैसे दर्शन कर पाऊंगी। मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। दीदी ये दर्द कैसे लग गया? अरे ये दाग पता नहीं कैसे लग गया होगा। तू साफ नहीं धोती कपड़े, इसलिए साफ नहीं धोती। मैंने इतना तो चमकाया था, मुझे लगता है ये तुम गिरी हो ना, पैर में चोट लगी उसी की वजह से खराब हो गया है। ऐसे हो सकता है इसकी वजह से लग गया होता। दीदी अब बैठने से थोड़ी ना दर्द ठीक हो जाएगा आपका। एक काम करो अंदर चलो, मैं आपका पहनना दाबती हूँ अंदर। अच्छा अच्छा तो चल, तो चल पकड़ लेना मुझे। पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोगों की आंख ना पड़ गई तेरी और बुड्ढी। मना कर रही थी मत जाओ मत जाओ, फिर भी मानती नहीं हो। पैर दाबो? ना ना जाके कुछ खाने पीने को होटल लिया जा। अब दाब देते थे ना थोड़ा बहुत। ना ना रहने दे जा, इतनी सेवा मत करे, फालतू में बारिश और पड़ जाएगी। कहाँ चलेगी, बड़ी देर लगा। अरे दीदी ये लो हल्दी वाला दूध है। हाँ ये तो तू, ये चोट है ना आपके तो सही हो जाएगी, हल्दी वाला दूध पी के गरम गरम है। खामा खाम की जीजी परेशान होती हो, क्या क्या रखा है, क्यों जाती हो तुम वहाँ पे बताओ? अपना खुद नुकसान कर लिया, चोट लग गई। पकड़ भाषण मत सुना, चढ़ा के पेड़ पे मत चढ़ा कर तू। वो बताओ तू चुपरी चिड़की क्यों लगा हुआ मेरे से, ठीक है? जाके जा दवाई लेके, पेड़ से लगाई हूँ मेरे। वो तो मैं लेने जा ही रही थी। हाँ तो अब तक तो ले आती ना, दस दस फेरा लगाने की आदत है, दस दस घर बतला लो बस। कोई बात नहीं है, जितना घूमूंगी फिरूंगी तो मैं ही पेट कम होगा मेरा। तू कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं मैं। तू कहना क्या चाहती है, यानी कि तू मुझ पे वो कर रही है? अरे दीदी आपसे थोड़ी ना कोई मुकाबला कर सकता है। समझ ला रहे, लगा लगा पैर पे, ले इधर लगा थोड़ी सी, थोड़ा सा दबा दे इसे, बस बस अब छोड़, अब आराम मिल जाएगा, मैं कर लूंगी इसे, ठीक है? अब एक काम कर, और हाँ एक बात और ध्यान से सुन ले मेरी, अगली पूर्णमासी को मैं गोवर्धन के परिक्रमा लगाने जाऊंगी। अगर तू और डोकर मेरे आगे पड़ गए ना तो मैं बता रही हूँ तुम दोनों, तुम दोनों की इतनी मनुष्य शक्ल है कि मुझे गुरुजी नहीं मिले। हमारी मनुष्य थोड़ी ना है दीदी, ये तो बल्कि अच्छी है। अगर तुम जो काम करने जाओगी ना, हमारी शक्ल देख लोगी ना तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी शक्ल देख के तो मेरे पैर में मोच आ गई और गुरुजी नहीं मिले मुझे, इतनी अच्छी सूरत शक्ल लेके बैठे हो दोनों के दोनों, कहीं भी जाती। मुझे लगता है दीदी तुम घर में वो दिया जला के नहीं गई थी ना इस वजह से। चुप रहे, दिया जला के नहीं गई थी, तुझसे ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ मैं। हाँ दाग फड़ रही है, मुझे हंसी आ रही है तो तुम्हारी शक्ल देख के। जा तू अब, ठीक है जा, खाना पीना नहीं हो जाके चल। सुन हाँ? एक मिनट बैठ, बैठ अब ध्यान तो सुन मेरी बात। हाँ। मेरे पैर में चोट लग गई है, अगली पूर्णमासी को मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगी। तो मेरे पैर में चोट लग गई तो देख कोई काम नहीं होगा मुझ पे तो घर का, मैं तो खटिया पे पड़ी रहूंगी, ठीक है? खटिया पे से मैं उठूंगी भी नहीं, वैसे भी तो मैं ही करती हूँ आपसे। तू सुन लेना,
तू क्या जताना क्या चाह रही है कि तू इस घर में, तू ही इस घर में, हम नहीं है, है? वो वाली बात नहीं है, कोई काम नहीं होगा मुझ पे, तुझे देख रहा पूरे घर का काम, बड़ी समझदारी से करना, घर का, घेर का, खेत का सारा तू करे, और वो डोकर है खेत का, तो खैर वो तो मैं केयर कर लूंगी। हाँ। तो कोई परेशानी बात, पर मैं ये पूछ रही थी। हाँ। क्या अगली पुण्यवासी को यानी आपको पैसा ही हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, पैसे नहीं होगा है? तेरा दिमाग खराब है क्या है? तू यहाँ बैठी बैठी मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे जवान और लड़ा रही है? मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे यहाँ, अरे मैं अगली पूर्णिमा को मैं गोवर्धन जाऊंगी बाबा, उनसे गुरुजी से मिलके आऊंगी मैं, तब जाके मेरे मुझे शांति मिलेगी मेरे मन को। पैर से मुझे कोई वो नहीं है, पर कहने का मतलब ये मुझ पर कोई काम नहीं होगा, समझ में आ गई? मैं यहाँ से यहाँ झूठे बर्तन में पानी भी नहीं कर पाऊंगी, अब जा। मैं कर लूंगी। ओ जी जी हाँ, मुझे एक बात कहनी है। बोल। पिताजी की ना तबीयत ना बहुत खराब है, बहुत तेज उन्हें बुखार चढ़ रहा है, वो ना तप रहे हैं आज के, वैसे जल रही है जैसे कि आज जल रही है। क्या? चुप रे, कहीं वो बुढ़ा ना मर जाएगा, अब तो ऐसी उम्र में बुखार खांसी जूड़ी बुखार आते रहे, मैं समझ में आ गई ना, कम से कम दवाई तो दिलवा दो उन्हें। हाँ हाँ, तेरे पिताजी नोट बांध के दे गए और डोकरा की पेंसिल आ रही है ना। हाँ, बड़े नोट का मारे बुढ़ापे में भी। मैं एक बात कहूँ, अगर पिताजी की जगह पे अगर आपके पापा होते तब भी तुम ऐसे ही करती? चुप कर, तू मुझे मत सिखा सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना? जाके स्टोर पे से गोली ला के दे दे और एक गिलास दूध दे दियो, चल इतनी भी कठोर ना हूँ मैं। दीदी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने दो ना। हाँ, डॉक्टर के डॉक्टर लायक वो इतने बीमार ना जो अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करेंगे जाके, फालतू में खर्चा होगा, तू जाके काम कर, तू मुझे प्रवचन मत सुनाया कर, तू अपने काम से काम रखा कर। डोकर की आई बड़ी हिम्मत लेने वाली। बहू, ओ बहू। जी पिताजी। बेटा भूख लग रही, तुमने कही? अरे पिताजी मैं तुम्हें बताना भूल गई, जीजी आ गई है घर। है? कहाँ? हाँ। जीजी आ गई? हाँ मुझे। अरे वो भी माल में कैसी हालत में आई है, पैर में लग गई, सारा कपड़े खराब हो रहे हैं, दाग पुंजो वगैरह में गिर गई थी, मेरा पैर टूट गया है। बहाना तो ना कर रही कहीं तू काम कराने का मारे? अरे ना पिताजी, बागी में उनके गुरु जी मिले ना है, तो वो यूं करके परकम्मा लगा के ना आई, वो चली आई है सीधी। अरे ऐसे पापिन को घूमना दर्शन मिल जाएगा, सेवा घर में बड़ा बूढ़ा बैठा, बाकी सेवा तो उतना। सेवा की बात हुई, यूं कह रही कि मेरे तुम दोनों की शक्ल देख ली है, यूं करके मेरा दिन खराब गया है। अरे और कह रही अगले पुण्यमासी को मैं जाऊंगी, वैसे तो मेरा अभी पैर सही नहीं है, अगले पुण्यमासी को मैं जाऊंगी, जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, यानी काम के मतलब से पैर सही नहीं है। तू रहती हूँ जा, मैं परे रही, तू बन जा साधु संत, मैं रह ले। हम तो मैं तो जी सोच रहा हूँ कि आज मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है ना, डॉक्टर के पास ले आऊं? नहीं कोई दवाई चलवाई नहीं, बाप का कोई फर्क ही ना, बाप बाप बीमार होता तो अभी जाती मैं दवाई दे बावे। अब पिताजी अब मतलब खाने, अब यार स्वयं मुझे लग रही भूख, अब तो मुश्किल है कि गरम गरम, मैं सोच रहा हूँ गरम गरम बहू बनावेगी, मैं खाऊंगा बैठ के चारपाई पर। सुनो पिताजी, मैं एक काम है, देखो मैं ना चुपचाप तुम अंदर चलो मेरे। हाँ। से मैं उनसे कैसे भी दुबक के आपको गरम खाना दे के और तुम सीधा वहाँ खा लेना खेत। हाँ मैं वही ले जाऊंगा, यहाँ देख ले तो तेरी खुआरी करेगी। चलो चलो। हाँ चल, मैं चुपचाप ले जाऊंगा। एक काम करो तुम। हाँ। यही रहो, मैं भी लेके आ रही हूँ, देखो सूखी सब्जी है गोभी आलू की और अचार है उसमें। हाँ तो बेटा जल्दी जल्दी ले, आप देख लेगी तो खुआरी करेगी, बड़ी आफत है मेरे घर में, तो जज बहू की जिंदगी खराब कर रखी है माने, कर रखी तो हमारी है, मगर हम क्या कर सकते, दिन भर तो बेचारी जी रहते घर में। लो पिताजी ले आई ना, ये जल्दी ले जाओ, नहीं तो आ गई ना देख लेंगे। हाँ, हाँ। मुझे और अलग मार डालेंगे सुना सुना के। तू जब तक देखवा रहा हूँ मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है? छोटी, अरे सुन ले। हाँ दीदी। सुनती नहीं है तू, एक आज पे तो आ गई हूँ, चिल्लाते बहुत है, तू और डोकर दोनों ने इतना जीना आराम कर रखा है मेरा कि इस घर में रहूं या ना रहूं ये बता दो, चली जाओ इस घर से, तुम दोनों का राज हो जाएगा। मैंने कब बोला चली जाओ, तुम्हारे पैर में कम चोर, अब तुम्हारा तो खैर पैर सही होते चला है, फिर भी तुम चिल्लाते बहुत हो। हाँ हाँ, कहाँ हो गया सही, अब पुण्यमासी तक ठीक होगा, अभी ठीक नहीं हुआ, मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगी मैं। पुण्यमासी को ठीक हुआ? हाँ, अभी ठीक अच्छा, नहीं हुआ। यानी तुम्हारे पैर को तो 15 दिन हो गए, 15 दिन में अभी सही नहीं हुआ? अरे अभी कोई फायदा नहीं है, अभी तो कोई वो ही नहीं है, अभी तो थोड़ा नेक भी आला नहीं पड़ा पैर में। अच्छा, यानी पुण्यमासी को आराम पड़ जाएगा जब तक, यानी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, सुन मेरी बात सुन,
जाके सारे घर का काम करना है और गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, चूल्हे पर रोटी बनानी है। चूल्हे पे? हाँ, समझ में आ गई तुझे? और चूल्हे पर ही सारा काम करना है, सुबह शाम का दूध वूध गर्म, और भैंसों के लिए दलिया भी बनना है, उसे भी वहाँ पे भरोसी में कर दियो, ठीक है ना? हाँ हाँ, और सारे घर के कपड़े लत्ते सब सब वो घेर ऊपर छत पत्त सब साफ करके आनी, सारे घर के पर्दे फर्दे धोने, पूर्णमासी आ रही है, ठीक है? अच्छा। हाँ, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, आज ही करनी है मुझे, शाम तक पूरा काम कंप्लीट चाहिए, 2 बजे तक, दोपहर तक, ठीक है ना? हाँ। समझ में आ गई तुझे? पिताजी के कपड़े भी 15 दिन से पड़े, उनके भी नहीं धोए। चुप कर। हाँ, पिताजी की चापलूसी में लगी रहा कर तू, खूब अट्टे कट्टे अपने हाथ पैरों से धो लेंगे, बहुत सारे कपड़े हैं पिताजी, उन पे कुछ नहीं होता है, वो तो अच्छा है, खेत को संभाल ले, वो ही बढ़िया है। तू मुझसे जबान नहीं लड़ाएगी, समझ में आ गई? तू मेरी अम्मा नहीं है, तू मेरी सास नहीं है, तू मेरी जिठानी नहीं है, मैं तेरी जिठानी हूँ, ध्यान रखियो। हाँ, और आज के बाद मुझसे इन बातों सवाल किया ना तो देवली धक्के दे दूंगी घर से, और साथ में तेरे ढोकर को भी। जाके काम कर, काम कंप्लीट चाहिए, अगर एक भी काम में गलती रह गई ना तो मैं बताऊंगी। छोटी, अब क्या हुआ दीदी? देख बात सुन, ऐसा है कि मैं जाऊंगी परकम्मा लगाने, ठीक है ना? हाँ, और तू जा खेत पे चली जाइयो, क्योंकि मैं तुम लोगों के सामने नहीं निकलूंगी, पहले ही मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं दोबारा से इतना नुकसान नहीं कराना चाहती। अच्छा। मैं नहीं चाहती तुम लोगों की मेरी शक्ल आगे मेरी आंखों के सामने पड़े। हाँ, घर वाले की, हम घर वाले होते साथ फिर भी खटकते हैं। तू मुझसे, भाई मैं तुझसे कितनी बार कह रही हूँ, तुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना, क्या तुझे भी खेत में छोड़ दो बुड्ढे के साथ ही, भाई खेतों में सोइयो। हाँ, मैं तो पहले सो जाऊंगी, फिर सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा घर का। हाँ, चुप रह। क्यों? दिन में काम करेगी, रात में फिर खेत पर सोने भेज दूंगी। अच्छा, और क्या? और सुन, जाके मैं चाबी वहां रख जाऊंगी, बाहर वाली तिखाल जो उसमें रख जाऊंगी, मुझे दे जाना चाबी। अरे मैं चाबी वहां रख जाऊंगी, मेरे सामने नहीं पड़ोगे। अब जा जा, मैं जाऊंगी थोड़ी बहुत देर में जाऊंगी, जा चल जा, आगे मत पड़ जाइयो, मैं बता रही हूँ। ऐसा करती हूँ, इस गली में ना निकल के इस गली में चली जाती हूँ, एक वो बुढ़िया और है भटकती यहाँ तमासी, वो मेरे सामने पड़ गई तो मेरा सगुनी बिगाड़ देगी, हमारे घर में 2 जमूड़े तो है। अरे पिताजी। हाँ बेटा। तुम इधर क्या कर रहे हो? है, मैं ऐसे घूमने आए हो। अच्छा। मैंने एक बात सुनी मैंने कि आज वो जा रही थी क्या? हाँ, बड़ी बार है ना पर, तो हाँ, उन्हें मुझे भी आज बाहर भेज दिया है। मैं भी ये सवेरे से देख रहा हूँ, अभी तक गई ना। वो मुझसे ये कह रही थी कि तू जा भी खेतों पे, मैं तू मेरे आगे मत आइयो, और चाबी तक जाऊंगी वहां पे। मैंने ठीक है, जा रही हूँ भैया, तुमने कह दी तो जाएगी, देखियो जब देखनी है तो इनको काम कैसे करेंगे, मेरे कहवे थे जाके सामने पड़ जाइयो। अच्छा, और मैं ऊपर हूं तो जाई मार के रो, मैं जा गली से आ जा रहे मेरे तो है गए दर्शन, बस मैं तो कर दे गोवर्धन के परकम्मा पूरे। ए, वो ये बता दू तो खाली तसल रानी कौन ने कही? जीजी, मैं तो गोबर डालने जा रही थी, मैं कह रही लज्जा गली से चली जाऊं, बागा गली से तो जीजी जाऊंगी, तो जब ऐसे मैं जा गली से आई। ध्यान कर लिए दोनों के दोनों, अगर मुझे कुछ हो गया तो दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे मुझे पहले गुरु जी ना मिले, और अभी अगर गुरु जी ना मिले ना, मुझे रास्ते में मर मर आ गई, दोनों को छोड़ूंगी नहीं। घर में नाम है भगवान को, जी मचाए गुरु जी गुरु जी के पास बावरी है जा रही है। तो इसकी जगह जीजी जाते, बढ़िया भगवान जी का ये गुरु जी का लॉकेटी डाल देती तो क्या हो जाता? चुप कर, अकल सिखा रही है मुझे। ए, तू जाके मोहम्मद लगे कर, तू चल दोनों के दोनों जा 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 जाते, मैं देखना भी ना चाह रही, चल यहां से। हां चल, मोहब्बत लग रहा है परकम्मा, अब गुरु जी ना मिले तो मैं परकम्मा ही लगा का करूंगी। मेन तो गुरु जी है मेरे, जब तक गुरु जी के दर्शन ना होंगे तो मैं फालतू में अपने पैर ने दुख दूं का फायदा? मैं तो वैसी पैर में चोट लग गई है भैया, जेब में कुछ हाथ ना है, काम फाम चलना है रे भैया, कोई मुर्गा कैसे मिले, और बड़ी पैसा की जरूरत है भैया, कैसे खर्चा पानी, अपने तो खर्चे ही ऐसे हैं, ऐसे ऐसे खर्चा है अपने के बस पूछो मत। लेकिन हाँ, जब गोवर्धन में एक काम तो होता है, जब परिक्रमा मार्ग ने मैं बहुत कछु दो है, अपना पहले बार ये आइडिया कर तू बात ही मुए, कोई ना कोई तो मुर्गा मिले कोई। ओ ओ, ये सामने तैयार ही है,
और बेगू लटक रहा हो सोने चांदी की चीजों पर रही है। तो अब मैं अपना पहली बार ये आइडिया लगा दूँ, चाकू ऐसो बेवकू बनाऊंगा चाकू न, सोने की चीज यार नकली सोने की चीज है यहाँ डाल देता हूँ और मैं दबक जाता हूँ और जो उठावेगी सुइया के पास आ जाऊंगा, सुइया को पुलिस की धमकी दूंगा। हाँ पहले बार ये आइडिया करते हैं, चाकू यहाँ डाल देता हूँ मैं, अब जो आवेगी जो उठावेगी और चाकू सुई पकड़ लूंगा मैं। हाँ चाकू डाल जाऊँ और मैं चलूँ, आ जा आ जा। अरे सोनू यहाँ कोई आता ना है। अरे वाह, अरे जी तो यार बड़ा सोना मिल गया मेरे को तो। गोवर्धन महाराज की जय, क्या बात हुई कछु सही भाई, गुरु जी ना मिले लेकिन काय की जय, गोवर्धन महाराज की जय का उठाओ तुमने आते ए कछु ना भैया। अरे दिखाओ का उठाओ है, अरे के काय दबका रही है, भगवान ये परिक्रमा करवे आइए का चीज है, काऊ यात्रियों गिर गो हो परिक्रमा लगाए आ रहे को ना ना भैया ऐसे क्या, पहले दिखाओ का हाथ में। अरे ये तो सोनो है, इतना सारा सोनो, मैं पुलिस को खबर कर दूं। ना 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 भैया पुलिस पुलिस से मत बुलाओ, तुम जे बताओ कि तुम इतना चाह कर रहे। देखो बहन जी जा सोने को तो कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो मैं खत तो पुलिस को कॉल। ना ना भैया पुलिस को फोन मत करो, अब मुझे ये बता दो तुम चाहते क्या। देखो चाहत का चुना है यहाँ तो यहाँ को मुंह गुदे हो समझे, नहीं मैं पुलिस को बुलाता हूँ। क्यों भैया, पाया तो मुझे था, अगर तुम्हें पाया होता तो मैं तुमसे लेती जबरदस्ती। देखो पाई हुई चीज मेरी तो पाई हुई चीज तुम्हारी है, सोनो है, जब पुलिस को फोन करूंगा पुलिस आवी तुम्हें ले जाएगी, तुम ते पूछे ही मैं नौके दूंगा कि इतना सारा सोना जैसे तुम तो लेके आए। सुनो सुनो तुम मुझे बता दो कि मामलो कितने में सिलट रहा। देखो सोना तो तुम्हें आधा करना पड़ेगा समझ रही हो, नहीं तो पुलिस आवेगी तुम्हें ले जाएगी और बाद में मत कहियो का है वो। ना भैया ऐसी बात चल रही है हमारी काय की। अरे भैया वो हमारे ऐसे में कोई चीज मिली है वो ऐसा बाटी है, कहा चीज हमें भी दिखा दो। कुछ ना भैया कुछ ना है ना, हाथ में कछु तो है दिखाओ हमें पहले। ना 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 दिखाओ भैया हाथ में काय को ऐसा बात हुआ हमें दिखाओ, नहीं मैं पूरी काम में हल्ला मचा दूंगा। हाँ तुमने भी देखो। अरे और का जे उठा के लेने में तो नहीं तो पुलिस को बुला लिया, एक काम होता है मुझे भी हिस्सा चाहिए, नहीं काम में डिंडोड़ा पीट दूंगा सोनो है तो। देखो बहन जी हम मान जा रहे हैं जब बात में, देखो नहीं तो ऐसा होता नहीं पुलिस पकड़ तो मैं ले जाती मैं गांव में डिनोले पीट दूं। मोटर पर व्यवस्था चाहिए एक कुंडल तुम ले लो, एक कुंडल तुम ले लो ठीक है। तो मैं तो बहुत बनवाऊंगी एकदम पीली पीली हो। अरे तुम अरे जी तुम ये दे सोने में लेते जाओगी और सोनो के कम से ये वो दो ढाई लाख को तुम जाओ। धन्यवाद। अरे मैंने अच्छा देख लो, राम राम ठीक है बहन जी, संभाल के ले जी तुम सोनो। हाँ और कुछ देखे ना बात बढ़िया तो बैग में धर लो तुम अपने, समय पे आ गया यहाँ पे देख लो मैंने। चलो आज तो मेरी मौज आ गई, बहुत सारा सोना मिल गया भैया। चंगा मंगा, अरे मजे आएंगे भैया देख सुन काम हो गए मेरे। चंगा जय मारा था वो नकली से ना है वो सोने की वो नकली सी पानी पानी लोहे बोए की लिया तू पानी बर्बाद उन पर सोने को सो ऐसे ही तो माले परिक्रमा मार्ग में निरे आते जीवन की। देखो मैं समय पे आ गया आज तो मैं लखपति करोड़पति हो गई, क्या हुआ गुरुजी नहीं मिले तो, लेकिन गोवर्धन महाराज ने सोने से नीली पीली कर दी मैं। अरे रागिनी जल्दी निकल के आ बाहर।
अरे दीदी क्या एक हुआ? आपकी ताली देख कैसी है आज, क्या बात हुई, इतना खुश कैसे दिख रही हो? मैं आप तो तू बस पूछ मत, मैं इतनी खुश हूँ। और देख सुन, मुझे ना अब मैं तुझसे ज्यादा सोना पहनूंगी और तुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखा करूंगी। अच्छा? मैं हाँ। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? हाँ। और देख तुझसे ज्यादा मोटे मोटे हार और मोटे मोटे झाले। और देख देखना मैं अपनी बाजू बंद भी बनवाऊंगी। हार पहने सूत्र पहने बस। हाँ तू अच्छा ठीक है जो भी है। देख मुझे कितना सोना मिला है। ये कहाँ से ले आई तू? अरे ये बैग तो पकड़, पहले पकड़ी थी। अरे दीदी कहीं चोरी पूरी तो नहीं की है? चुप कर, चोरी करी है मैंने। तो इतना सारा सोना कहाँ से आया? अरे मुझे गोवर्धन महाराज ने दिया है। गोवर्धन महाराज ने? गुरुजी ने। क्यों उनका बादल फार के आए थे कि चीर के आए थे तुम्हें सोना देने? नहीं मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए वो। हम तो इतने संजा सवेरे रोज पूजा पाठ करते हैं, हमें तो कभी सोना मिला नहीं है। तुम जैसे पापियों को मिलेगा भी नहीं, तू और वो ससुर जी। अच्छा हाँ। अच्छा जा पिताजी को बुला के ना खुशखबरी सुनाती है। अच्छा, जा जल्दी जा। अब पिताजी को बुलाऊं? वैसे हाँ। तुम पिताजी को पूछती नहीं हो, और पिताजी को बुला के लाऊं मैं है? अरे आज तो बस ये समझ ले। अरे 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 कितनी खुशी है ये कहा बात है जी बता मेरे को। पिताजी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ले तू। आज कहाँ से सूरज निकला? पिताजी इतनी करोड़पति लखपति अरबपति हो गई मैं तो। अरे खुली आंख से सपना मत देखे। मुझे जानती हूँ, तुम लोग मुझे देख के दोनों के दोनों जले फूके पजरे जाते हो। जलेंगे हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू तुमसे भी ज्यादा करोड़पति हो गई है। इस गांव में कोई ऐसा होगा नहीं जो इतना सारा सोना पहन के घूमेगा। दिन में सपने तो ना देख रही कहीं? अरे पिताजी मैं चुटकी काटू तुम्हें, तुम दोनों सपने देख रहे गई। पिताजी मुझे गिरिराज जी महाराज ने जमीन में से उपजा के सोना दिया है। सोना और क्या? और कहीं ऐसे तो ना तू मांग गई हो तो कहीं चुरा लाई हो कहीं से। मुझे भी यही लगता है। नीयत बड़ी खराब है, सोना चांदी देके तो लाड डाले। तुम अपनी तरह समझा करो सबको। हाँ हमारे पास तो है ही ना। अब देखोगे नहीं जरा उसे? बेटा दिखा दो सही, कहा मिलो कहा ना मिलो, कैसे सोना है कैसे पीतल है। देखो देखो देखो। अरे हम बे सोना ही है। सही कह रहे हैं पिताजी सोना है। अरे जी सोनो है। अरे माँ पे तो बहुत चुतिया बनाए वाले मिल गए होंगे। पिताजी इतनी चालाक हैं। सोना फोनो कुछ ना है जे, ऐसी है। और तुझे बता तुझे लेके आ गए हैं वो? अरे ना पिताजी सुनो, मैं अपने कंगन दी आई। अरे झाले दी आई, वो कुछ गरीब लोग है दान करी आई मेरे भगवान ने, जो मुझे इतना सोना दिया है। अरे ये सोनो ना है, पीतल भी ना है, ये तो जन कहा है जी। इतना तो मैं बड़ा बूढ़ा है वो सोने की पहचान ना है। मुझे तू को बेवकूफ बना गए, तेरे हाथ के ले गए कान के ले गए, बोले अब असली सोना तू थमा गए जी। माँ ऐसे पंडा मेरे डोले तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुम दोनों की वजह से। मैंने तुमसे क्या कही थी कि तुम दोनों मेरे सामने मत पड़ना? बड़ी जा रही है बाबा खिया बा खिया। अरे हमारी सेवा कर तो ने तू को सुख शांति मिले। अब रो ले दोनों की वजह से हुआ है जी, सही बता रही हूं। अरे तुम दोनों तो मेरा बुरा चाहते ही हो। हमारे ऊपर मत इल्जाम लगाया करो, भगवान से हुआ बुरे काम का बुरा नतीजा तू हमारे संग कर रही है। मेरे पापा ने दिए थे वो कड़े, ले वो ना ले वो। चल चलो बहू तू चल घर जा, रोन जा जा। अरे अब कहां जा रहे हो तुम दोनों? बर्बाद हो गई पिताजी चोटी। अरे कहाँ गए तुम? मैं भी जा रही हूँ घर। हमारी जीजी भी जाने किन की बातों में आगे पैसे इतनी चालाक बनती हैं। पता नहीं कैसे हुआ मेरे साथ में इतनी चतुर चालाक चंट। हो गया सो हो गया। आज जी माल में तुम्हारी, आज जी तुम्हारे कर्म में जो ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। आज तुम आप पिताजी की सेवा करती है, उन्हें टाइम से खाना देती, उनके कपड़े धोती है, तो आज ये फल सही तुम्हारे लिए मीठा बहुत होता। उनके तुमने सेवा करी नहीं है तो ये तो हो नहीं। अरे तो मुझे ये बता, तू मुझे मलम लगा रही है या मेरे जख्मों को कुरेद रही है, क्या कर रही है? दीदी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बड़ी बुरी चले गए, बड़ी बुरी की सेवा करके देखो और देखो तुम्हें फल मिलता है कि नहीं मिलता है उनकी। अरे छोटी तू सही कह रही है, काश मैं पिताजी की सेवा कर
मांग लेती तो मेरे साथ ऐसा ना होता, ये मेरे कर्मों का ही फल है। अरे वो गुरुजी के जोधे के चक्कर में मैंने परकम्मा भी ना लगाए। फिर से गुरुजी जी जी अरे बाहर में जाया था, गुरुजी मर जाए मैं तो इसकी रोने भी ना जाऊंगी। गुरुजी की बंदी तुम पिताजी की सेवा करो और देखो बहुत कुछ पाओगी तुम। और गोवर्धन महाराज ने मुझे ऐसा शराब दिया कि मैं सब कुछ लुटवा दिया। चल मुझे छोड़ो, कुछ खिलाइयो पिलाइयो, बहुत दूध ही हो गया।